इस कहानी को एक बार जरूर सुनना। एक आदमी आता है और चेयर पे बैठ जाता है। तब बसंत का मौसम चल रहा था। उनका बहुत बड़ा घर था, 2 मंजिला का। उनके बगीचे भी बहुत बड़े थे और अचानक से उन्होंने देखा कि उनका सीधा ही सामने वाला पेड़ में एक कुकुन होता है। वो कुकुन फैल रहा था और धीरे धीरे तितली में कन्वर्ट हो रहा था। और वो आदमी बहुत ध्यान से उस कुकुन को देख रहा था और बहुत उस समय होता है उसको देख के। लेकिन कुछ ही समय बाद वो आदमी उदास हो जाता है और तनाव में रहता है, जैसे मानो कोई उनकी खुशी को छीन गई हो। क्योंकि कुकुन में जो तितली होता है वो नहीं बढ़ रहा था, यानी कि हिल नहीं रहा था। तितली का पंख उस कुकुन में अटक गया था और निकल नहीं रहा था। और जब आदमी ने देखा कि बहुत वक्त तक तितली वहाँ कुकुन में फंसा हुआ है, तो आदमी अपने घर से कैंची निकालता है और थोड़ा कुकुन का कोष तितली पर जुड़ा रहता है वो काट देता है और तितली आज़ाद हो जाता है। आदमी तितली को देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब उड़ने की कोशिश करता है तब उड़ नहीं पाता है। आदमी चेयर पे बैठा होता है और सोचने लगता है कि कब तितली का पंख बड़ा होगा और उड़ने लगेगा। अफसोस, ऐसा होता नहीं। तितली पूरा जिंदगी भर उड़ नहीं पाती है और रेंग रेंग के अपना वक्त बिताती है। आदमी का दिल बहुत बड़ा था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि तितली उस कुकुन से निकलेगा ये भगवान का राह है कि तितली को उस कुकुन के कोष से संघर्ष करके खुद को निकालना पड़ेगा और अपने पंखों को वहाँ से हटाना पड़ेगा और धीरे धीरे करके ऊपर उड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का जीवन भी है। समस्या संघर्ष से ही हम लोगों का ताकत बढ़ता है तथा जीवन की कठिनाई से लड़ने का शक्ति मिलता है। ये कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब या लाइक जो भी कर दीजिएगा।